हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि नीट और जेई मेंस के एग्जाम्स के लिए मैं एक नया सेशन या एक वीडियो लेक्चर्स में तैयार करूंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, मेरे जो नए वीडियोस आपको मैं बना के अपलोड करूंगा, उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो देखें, अपन जो आज जो टॉपिक है, पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा अपना नेम रिएक्शंस। अब देखिए, मैंने जो एनसीईआरटी में जितने भी नेम रिएक्शंस है, भले वो 11th ऑर्गेनिक की हो या 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो, वो सारी नेम रिएक्शन मैंने एक साथ इस बोर्ड पे रख दी है। अपन टोटल 30 और ओवरऑल 35 जो भी नई रिएक्शंस और ऐड हो जाएंगी, जैसे हंस डिगर रिएक्शंस हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल 30 और 35 नेम रिएक्शंस तक अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। तो देखिए, जो पहली जो नेम रिएक्शन है वो है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो 11th क्लास में है। वुड्स रिएक्शन 11th और 12th दोनों क्लास में है। फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में अपन एल्कालेशन और एसालेशन पढ़ते हैं, वो किस किस की पढ़ेंगे, बेंजीन की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोबेंजीन की और एल्कोक्सी बेंजीन की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन, जो एक नेम रिएक्शन है जिसको कुचेरॉफ रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डाई एजोनियम सॉल्ट पे बेस्ड जो नेम रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी है, सैंडमेयर, गाटरमान, बाल सीमान रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शंस। इसके अलावा रसिंग प्रोसेस, डाउ प्रोसेस, कोलबे रिएक्शंस, इसको कोलबे सिमट भी कह सकते हो आप। ऐसे ही राइमर टीमान रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड की है, उसमें फॉर्मालेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद में लेडर मोन्स रिएक्शंस, जो कि बेंजाइल एल्कोहल बनाने के लिए काम में लेते हैं और उससे बेकेलाइट का फॉर्मेशन किया जाता है, बेकेलाइट एंड नोवालेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ऐसे ही फिर रिएजमेंट, बुचेरा रिएक्शन, फिनोल की अमोनिया के साथ जो रिएक्शंस होती हैं, पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में, नाम नहीं दे रखा लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर आपको नाम भी बता रहा हूँ वो रिएक्शन कौन सी है, बुचेरल रिएक्शन। ऐसे ही विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रोजेनवुड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन। ऐसा ही गाटरमान कोच, ध्यान रहे ये गाटरमान रिएक्शन है जो डाइजेनियम सॉल्ट देगा, और ये गाटरमान कोच रिएक्शन है जो बेंजीन कार्बन मोनोक्साइड के साथ में और HCl के साथ में देगी और बेंजाइलेट का फॉर्मेशन करेगी। ऐसा ही वॉल्फ किसलर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, केनिजर रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में जो अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया, इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही ग्रो प्रोसेस और डार्जन प्रोसेस। तो ये ओवरऑल रिएक्शंस हैं जो अपने एग्जाम के पर्पज के लिए, एग्जाम पर्पज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे अपन इन सभी नेम रिएक्शन का बारी बारी से अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ इन पे बेस्ड जितने भी रीजनिंग जो क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सभी के सभी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम रिएक्शंस, और इस नेम रिएक्शन में देखो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, इस चीज का ध्यान रहे, पर आपको कंप्लीट नेम रिएक्शन में यहां पर कराऊंगा उनके एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो सबसे पहले जो रिएक्शंस अपन डिस्कस करते हैं वो आज करते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले कौन से रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं अपन, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, पहले जो रिएक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन आ जाए तो आप याद रखना कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वो एक सेल रिएक्शंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेल रिएक्शंस की बात कर रहा है। और ये जो रिएक्शन है वो देता है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम भी हो सकता है या पोटेशियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो कंपाउंड है जिसका सोडियम या
पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड वो क्या देता है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस देता है। चलिए होता क्या है इस रिएक्शन में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन से जनरेटेड क्वेश्चंस जो जनरेट होता है वो होता है कि एनोड और कैथोड पर जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो ध्यान रहे कि इस कंपाउंड के अंदर मैंने सोडियम सॉल्ट लिया है और उस सोडियम सॉल्ट का जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने पास बनता है एल्केन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस NaOH या KOH, जो भी सॉल्ट अपन लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता लगाना है कि एल्केन CO2 और हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पर इनका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस रिएक्शन को, समझिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर ले लिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट उसमें मैंने फिल कर लिया और ये इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन। यहां पे मैंने लगा लिए दो इलेक्ट्रोड्स और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने किससे अटैच कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से मैंने अटैच कर दिया। एक इलेक्ट्रोड एनोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। लेकिन ये अगर केमिकल सेल होता तो उस पर चार्ज कौन सा होता, नेगेटिव। और ये अपने पास कैथोड है। ध्यान रहे एनोड और कैथोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, चार्ज उन पर कोई सा भी हो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो देखिए एनोड की ओर ये ग्रुप माइग्रेट करेगा और कैथोड की ओर Na प्लस माइग्रेट करेगा और यहाँ पे क्या फिल कर रखा है, मैंने वाटर फिल कर रखा है। चलिए तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और ये देगा कार्बोक्सिलेट आयन एंड Na प्लस आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऐसे ही अपने पास वाटर भी होगा जो H प्लस और OH माइनस देगा। ठीक है, अब देखिए मैं रिएक्शन सबसे पहले बात करता हूं रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ध्यान रहे एनोड पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन। तो यहां जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस कंपाउंड के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अपन जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मेरे पास एक रेडिकल ये बन गया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने फ्री कर दिया। अब क्या होगा, इस रेडिकल का होमो, इस कंपाउंड का क्या करा दूं मैं, होमोलाइटिक क्लीवेज करा दूं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से मेरे पास क्या बन गया, आर रेडिकल, दूसरा क्या बन गया मेरे पास CO2 और ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने क्या निकाल दिया, CO2 निकाल दिया और दूसरा R रेडिकल निकाल दिया। अब देखिए जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, एनोड पर। तो यहां मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि जो CO2 गैस बन रही थी वो कहां बन रही थी, एनोड पर बन रही थी। अब देखिए एक अकेला R रेडिकल तो बाइंड होने से रहा अपने आप, तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं इस कार्बोक्सिलेट आयन के यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के दो आयंस ले लेता, यानी दो मोल से अपने को दो कार्बोक्सिलेट आयन और दो सोडियम प्लस आयन मिलते हैं। ऐसे यहां पर दो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, यहां पे दो रेडिकल और यहां दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां जो रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा होता वो कितने रेडिकल बनते, दो रेडिकल बनते और ये रेडिकल्स आपस में बाइंड होकर के क्या बनाते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में, तो एल्केन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कहां हो रहा है, एनोड पर ही हो रहा है। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन एट कैथोड और अपन जानते हैं कैथोड पे जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिडक्शन की। देखिए इस सेल में देखिए जैसे ये कार्बोक्सिलेट आयन इस एनोड की ओर मूव हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन होकर क्या मिला, एल्केन और CO2। यानी मैं कह सकता हूं कि इस एनोड पर जो कंपाउंड बन रहा है वो एक तो बन गया एल्केन और दूसरा क्या बन गया अपने पास, CO2 बन गया। तीसरा रिडक्शन अपन करवा रहे तो सोडियम प्लस किधर मूव कर रहे हैं,
इधर मूव कर रहे हैं, ऐसे ही इस वाटर में से H प्लस और OH माइनस मूव करेंगे। तो देखिए जो H प्लस है ना, ये क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, एनोड से कैथोड की ओर मूव करेंगे, और कैथोड पे क्या है, H प्लस आयन, और ये H प्लस आयन इस कैथोड की ओर अट्रैक्ट होंगे, और ये H प्लस आयन रिड्यूस होकर के क्या दे देगा, हाइड्रोजन। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, दो इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ कितने H प्लस ले लूं, दो H प्लस ले लूं, तो यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ रिडक्शन हो गया, देखो यहाँ प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब जो मेरे पास रिमेनिंग बच रहा है, ये कैसे है समझाता हूँ वापिस, मेरे पास क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर क्या बना रहे, टू एच प्लस और टू ओ एच माइनस, ये टू एच प्लस कैथोड पर रिड्यूस होकर के क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहे हैं। अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बच गया, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन बच गया और दो एन ए प्लस बच गया, तो ये रिमेनिंग जो बचे हुए आयन से वो कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनरली एनोड पे जो प्रोडक्ट बना वो कौन कौन सा बना, एल्केन और CO2, और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, कहाँ बन रही है, कैथोड पर बन रही है। तो अपने पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना, या एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई, इस तरह का क्वेश्चन अपने पास कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में आता है। तो ये ओवरऑल डिक्शन आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन ये है इसी से तरह इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको अगर ये कहा जाए क्या सोडियम फॉर्मेट का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊं तो क्या ये रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन देगा, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, और जब एल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो ये केवल CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन ही कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अपन पढ़ते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को, इसके लिए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब एल्केन और एल्काइन के लिए भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जनरल बता रहा हूँ कि एल्केन का फॉर्मेशन अपन कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे कर रहे हैं तो वो देखते हैं। तो दूसरा मैंने कंपाउंड लिया सोडियम एसिटेट, ध्यान रहे एग्जामिनर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर सोडियम एसिटेट के दो मोल होंगे, ये अपने को डिसाइड करना है कि यहाँ ए क्या बना, बी क्या बना, सी क्या बना और डी क्या बना। ठीक है, तो देखो यहां से सीधा ट्रिक इससे रहेगा कि आपको यहां से तोड़ना है और इसी के तरह के दो मोल आपको लेने हैं और ये क्या बना देना है, ईथेन बना देना है, बचा गया यहां पर CO2 बन गया। ठीक है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर में से हाइड्रोजन गैस निकल गई और बचा क्या OH, जो Na से बाइंड हो क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। अब आपको याद रखना है कि जो एल्केन और जो CO2 गैस बन रही है, वो तो किस पे बन रही है, एनोड पर, और जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो किस पे बन रही है, कैथोड पर। बात समझ में आई, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये कंपाउंड नहीं हुआ, अगर वो ये दे दिया जाए सोडियम प्रोपेनोइड, और सोडियम प्रोपेनोइड का वो क्या करवाए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए, और फिर पूछे कि प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बने, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना, तो सीधा कुछ ही नहीं करना है, यहां से उठा देना है, क्या कर देना है, दो कार्बन है तो चार कार्बन का एल्केन बना देना है, क्या बन गया, एन ब्यूटेन बन गया, CO2 गैस निकाल दीजिए, फिर क्या बचा, Na, तो जाहिर सी बात है Na वाटर से, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में वाटर भी तो होगा, तो वाटर में जो बचा एच वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस, और रिमेनिंग क्या बच गया, OH और Na बच गया, ये लो साहब। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट पहचानने आ गए होंगे, और ये ध्यान रखना है कि जो एल्केन और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एनोड पर, तो बचा क्या मेरे पास, हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ बनेगी, कैथोड। तो इस तरह से अपन कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से किस तरह से अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे,
एनोड पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कैथोड पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ये इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरी रिएक्शन अपन पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड्स के रिस्पेक्ट में। और एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं इस एल्किल हैलाइड की बात करूं तो अगर मैं इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूं तो वो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, वुड्स रिएक्शन होती है। इसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं किसी भी एरिल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराता हूं तो वो रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और इसी एल्किल हैलाइड की अगर मैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराता हूं, कौन सी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराता हूं, तो यहां पर ये दो रिएक्शन देता है, एक स्वाट रिएक्शन और दूसरी फिंकल फिंकल स्टेन रिएक्शन ये देता है, फिंकल स्टेन रिएक्शन ये देता है। ठीक है, चलिए अपन एक एक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं कह दूं ओवरऑल एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो एक होगी वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक स्वाट रिएक्शन और दूसरी सिंगल स्टैंड रिएक्शन। चलिए बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। तो मैंने ये कहा कि कोई कंपाउंड था मेरे पास जिसमें आर एक्स एल्किल हैलाइड था और उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करवाने पर, सोडियम और ड्राई ईथर से करवाने पर क्या बना। तो ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे केवल इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यानी मैं ये कह दूं इसको पहले लिखने से पहले कि जो वुड्स रिएक्शन है, इस वुड्स रिएक्शन में याद रखना क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास वो क्या बनता है, एल्केन बनता है। और ये एल्केन हमेशा क्या होगा, इवन कार्बन कंटेनिंग होगा। यानी इस एल्केन का जो फॉर्मेशन होगा उस एल्केन में जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। दूसरा अगर मैं वुड्स रिएक्शन की बात, वुड्स फिटिंग की बात करूं तो ये बनाता है एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। यानी ये बेंजीन और इस बेंजीन पर मैं क्या लगा दूं, कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं। स्वाट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए। तो ये कहा जाता है कि स्वाट रिएक्शन में फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है, इसका होता है फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है, भले वो AgF से हो, SbF3 से हो, ठीक है। फ्लोरीन का जब भी एक्सचेंज होगा हैलोजन के रेस्पेक्ट में और वो क्या देगा, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, RF फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन। केवल एक ऐसा मेथड है जो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करता है, वो कौन सा मेथड है स्टूडेंट, स्वाट रिएक्शन। तो यहां पर स्वाट रिएक्शन में आपको याद रखना है कि क्या बनेगा, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिंगल स्टैंड रिएक्शन जिसमें आयोडीन का एक्सचेंज होगा, आप ध्यान रखना इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो कौन सा सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट, एसीटोन। ध्यान रहे स्वाट रिएक्शन और फिंगल स्टैंड रिएक्शन दोनों के दोनों रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। और यहां ये क्या देता है, आयोडो एल्केन देता है। क्या दे रहा है ये, आयोडो एल्केन दे रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। पहले मैंने कहा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, एल्केन। एल्केन कौन सा बनेगा, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन। जितने कार्बन का रिएक्टेंट होगा उसके डबल इवन कार्बन का वो क्या बनेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा ही अगर मैं हेलोबेंजीन की बात करूं तो हेलोबेंजीन और एल्किल हैलाइड के बीच में जो रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है, उससे क्या बनता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। इंपॉर्टेंट है, एल्काइल बेंजीन की बहुत सारी रिएक्शन जुड़ेगी, अपन आगे ऐड करते चलेंगे। ऐसे ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो रिएक्शन पढ़ ली अपन ने, कौन कौन सी, स्वाट रिएक्शन पढ़नी है और फिंकल स्टेन। स्वाट रिएक्शन में फ्लोरिन का एक्सचेंज होगा और फिंकल स्टेन के अंदर आयोडीन का एक्सचेंज होगा। स्वाट रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, फिंकल स्टेन रिएक्शन में
एल्केन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में? अब अपन एक एक रिएक्शन को अपन इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें अपन वुड्स रिएक्शन की। किसके बात करें अपन? वुड्स रिएक्शन की। तो ये वुड्स रिएक्शन सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती है। किसके प्रेजेंस में? सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में होती। क्या है कि जब एल्किल हैलाइड के रिएक्शन सोडियम ड्राई इथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो ये इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन करता है। कैसे हुआ ये देखें कि ये मैंने ले लिए टू मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड और इनकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? सोडियम से करा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, टू एन ए ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहां से ये एन एक्स बाहर निकल गया और यहां से ये एन एक्स बाहर निकल गया। ये समझाने के तौर पर बता रहा हूँ भाई। ठीक है, यहां ले लिया मैंने सॉल्वेंट ड्राई इथर, यहाँ टू एन ए एक्स बाहर निकल गया। अब देखिए मेरे पास बचा क्या, ये आर और ये आर, ये मेरे पास क्या बन गया प्रोडक्ट एल्केन। अब ध्यान रहे आपको एग्जाम में जो मिलता है डायरेक्ट नेम रिएक्शन देते हैं तो वो एल्किल हैलाइड देगा और सोडियम ड्राई इथर, सोडियम ड्राई इथर से पहचानना है। या तो सबसे देगा आपको इसके साथ में इंड में या प्रोडक्ट देगा आपको इंड में। अगर सोडियम ड्राई इथर के साथ में एल्केन बन रहा है 101% कौन सी रिएक्शन होगी? व्हाट्स रिएक्शन होगी? चलिए एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो मैंने एग्जाम्पल लिया CH3Cl और CH3Cl की सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई मैंने। जितने कार्बन उतने कार्बन का उससे क्या कर देना है? डबल कर देना है। क्या बना देना है? एल्केन बना देना है इवन कार्बन का। क्या बन गया? इथेन बन गया। ऐसे अगर मैं क्लोरोइथेन ले लेता सोडियम ड्राई इथर के प्रदेश में तो कितने कार्बन है? दो। चार कार्बन क्या बन जाता? ध्यान रखने अनब्रांच, चार कार्बन का अनब्रांच कंपाउंड क्या बन जाता? ब्यूटेन या कॉमनली या ट्राइवल में क्या कहेंगे इसको? एन ब्यूटेन। अगर मैं यहां पर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लूं सोडियम ड्राई इथर, देखो कॉमन नेम याद रखना है, ये आइसो ग्रुप CH2CH3 आइसो, तीन कार्बन है प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अगर आईपीसी देखे तो 1 2 3 टू क्लोरोप्रोपेन, ध्यान रखना आईपीसी और कॉमन दोनों के दोनों नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशल कॉमन नोमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे गए। तो सोडियम आइसोप्रोपाइल रीड करेगा, सीएल को हटा दो, कुछ नहीं है, सीएल को हटाओ, ऐसा कैसे ग्रुप सामने लगा दो? कैसे? देखिए ये CH3CH ऐसा कैसे ग्रुप सामने उठा करके ऐसे कैसे लगा दो? 2-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन अगर आपसे कह दिया जाए, अगर क्वेश्चन ये कह दिया जाए, क्वेश्चन में क्या कहा जाए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि CH3Cl आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम एंड ड्राई इथर, व्हाट विल हैपन? आपको चार प्रोडक्ट दे दिए जाए, पहला CH3 CH2 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 CH3 एन हेक्सेन, बी दे दिया जाए CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और सी प्रोडक्ट दे दिया जाए और डी दे दिया जाए इस तरह से। तो आपको फिर प्रोडक्ट को पहचानना आना जरूरी है। ध्यान रखें ऑर्गेनिक एक स्कोरिंग पार्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो भी होती है ऑर्गेनिक के अंदर वो सारे के सारे आपको इजी वे में क्वेश्चन देखते ही टिक हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा पार्ट है जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव करेगा। ध्यान रहे से टाइम भी बचाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे कंपाउंड उस कंपाउंड को वैसे के वैसे अरेंज कर दीजिए, ऐसे कैसे दे रखा था इन्होंने, बस सीधा करना चाहो तो सीधा कर सकते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए ऐसे कैसे, इसके साथ में दूसरा कंपाउंड अटैच कर लीजिए, ये जी हटा दीजिए, इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए प्रोडक्ट्स, और इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं CH3 CH 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 CH3 एंड CH3। देखिए देखिए कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या?
इस तरह से आप सीधा क्वेश्चन देखा और आपको टिक लगा दिया, हो जाएगा सोल्व। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने वुड्स रिएक्शन को सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं अपन वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखो वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ा हूं, उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे फिटिंग रिएक्शन के बारे में। एक बार फिटिंग रिएक्शन देखिए, ये जो फिटिंग रिएक्शन होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, वही सोडियम ड्राई इथर के प्रेजेंस में होती है। दूसरा हेलो हेलो एरिन्स की रिएक्शन होती है, किसकी होती है, हेलो एरिन्स की, और बनता क्या है, बाई फिनाइल और डाई फिनाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कैसे वो देखिए, मैंने ले लिया एक हेलोबेंजीन और हेलोबेंजीन के मैं रिएक्शन कराई सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो देखिए ये रिएक्शन जैसे मैंने कहा वुड्स रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, वुड्स में एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं और फिटिंग में अपन क्या ले रहे हैं, ये एराइल ग्रुप ले रहे हैं। तो एक्स को हटा दीजिए, ऐसे कैसे दो रिंग ऐसे कैसे अटैच कर दीजिए, ये लीजिए साहब, ये बन गया अपने पास बाई फिनाइल या डाई फिनाइल बन गया। देखिए कैसे हो रहा है, अगर मैं ये कहूं दो हेलोबेंजीन ले लिए मैंने और उन दोनों हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, सोडियम से करवा दी, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवा दी। तो ये क्या हुआ, यहां से एनएक्स और एनएक्स बाहर निकल गया, टू एनएक्स बाहर निकल गया और मेरे पास ये दोनों के दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो गए और क्या बना लिया, बाई फिनाइल बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिटिंग रिएक्शन को भी याद रख सकते हैं। जिस तरह से वुड्स रिएक्शन में एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं उसी तरह से फिटिंग रिएक्शन में अपन क्या ले रहे हैं, एराइल ग्रुप। अब देखिए इसका जो मिक्सचर है वुड्स और फिटिंग रिएक्शन का मिक्सचर है, उसी के बेसिस पर इन्होंने रिएक्शन बना दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कह रहा हूं, वुड्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में क्या कह रहा हूं कि एक एरिल हैलाइड और सॉरी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शन होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, वही सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, इसके प्रेजेंस में सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। देगा क्या प्रोडक्ट, क्या बनेगा यहां पर, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा हेलो सॉरी एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, तो मैंने ले लिया एक तरफ एल्किल हैलाइड और एक तरफ ले लिया मैंने एरिल हैलाइड और इनकी रिएक्शन किससे करा दी मैंने, सोडियम मेटल के साथ में करा दी साहब, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये 2NX बाहर निकल गया तो बचा क्या मेरे पास, ये एल्काइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग से बाइंड हो गया साहब और सीधा सीधा क्या बन गया अपने पास, एल्काइल बेंजीन बन गया। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिया क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरोमीथेन से करवा दी, किसके प्रेजेंस में, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो सीएल बाहर निकल गए और सीधा ही मैंने प्रोडक्ट बना दिया। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहां पर AlCl3 नहीं है, अगर AlCl3 होता तो फ्रीडलक्राफ एल्काइलेशन होता, लेकिन यहां दे क्या रखा है, सोडियम और ड्राई ईथर, और सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हेलोबेंजीन और क्लोरोएल्केन के बीच में रिएक्शन होती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है। इस चीज का ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, विच वन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट वुड्स रिएक्शन, बी फिटिंग रिएक्शन, सी वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड डी फ्रीडलक्राफ्ट
एल्काइलेशन रिएक्शन। और मैं कह दूं कि कई सारे स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को देख करके बिना इस कैटलिस्ट को देखे, बिना इस रिएजेंट को देखे, बिना इस रिएजेंट को देखे ही इस रिएक्शन को क्या करा देंगे, वो कंप्लीट करा देंगे और देख लेंगे कौन सी रिएक्शन हो गई, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गई, और 100% वो अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सोडियम और ड्राइटर ले रहा हूँ, न कि लुइस AlCl3 Fe(X3) ले रहा हूँ। अगर लुइस एसिड लेता और ये रिएक्शन होती तो वो कौन सी रिएक्शन होती, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती। लेकिन यहाँ किसके प्रेजेंस में हो रही है, सोडियम और ड्राइटर के प्रेजेंस में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ना तो वुड्स रिएक्शन है ना ही फिटिक रिएक्शन है, वो क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है। तो इस चीज का स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए एक बार, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए स्टूडेंट नोट कर लिया आपने, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन अपने पास है वो है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में अपन ने कहा कि एक स्वाट रिएक्शन है और दूसरी कौन सी है, फिंकलस्टेन रिएक्शन है। तो बात कर रहे हैं अपन हैलोजन एक्सचेंज की, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ध्यान रहे ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी होती है, एल्किल हैलाइड की होती है। और यहां पर एल्किल हैलाइड में अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, स्वाट रिएक्शन होती है। और क्या देता है, फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन करता है। ये केवल एक ऐसा मेथड है जो फ्लोरो एल्केन बनाता है, यही इस रिएक्शन की सबसे खासियत होती है। सबसे पहचानने का आसान तरीका है कि अगर आपको फ्लोरो एल्केन बन रहा है और वो पूछ रहा है एल्किल हैलाइड से फ्लोरीन के बन रहा है और वो पूछ रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, तो आपको याद रखना है, कुछ से नहीं सोचना है, वो रिएक्शन कौन सी होगी, स्वाट रिएक्शन होगी। दूसरा, अगर मैं आयोडीन का एक्सचेंज कराता हूं, ये किससे मिलता है अपने को, सोडियम आयोडाइड से, ठीक है, एसीटोन इसमें सॉल्वेंट होता है, कहां से मिला, सोडियम आयोडाइड से, और एसीटोन यहां सॉल्वेंट होता है, तो यहां मैं अपने आप मिलेगा आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, ये स्वाट रिएक्शन, और ये कौन सी हो गई, फिंकल स्टेन रिएक्शन हो गई। अब ध्यान दें कि ये जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी होती है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये चीज आपको याद रखनी है इसके साथ साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ही रिएक्शन की बात करें अपन, पहले सबसे पहले अपन बात लेते हैं इसमें भी स्वाट रिएक्शन की बात करता हूं मैं। स्वाट रिएक्शन में अपन कह रहे हैं कि फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज किसका होगा, फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा। अब ये फ्लोरीन कहां कहां से अपने को मिल सकती है इसके बारे में डिस्कस करें, तो एक अपने को मिल सकती है AgF से मिल सकती है, ए सबको मिलती है, SbF3 से मिल सकती है, एक अपने को मिल जाए HgF2 मिल जाए, और एक मिल जाए अपने को CuF2 से मिल जाए। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिएजेंट है जिनसे अपने को क्या मिल रही है, फ्लोरीन मिल रही है। और अगर किसी रिएक्शन में फ्लोरीन हैलोजन कोई एल्किल हैलाइड है और फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा है तो 100% वो रिएक्शन कौन सी होगी अपने पास, स्वाट रिएक्शन हो गई। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ले लिया RX और मैंने इसमें डाल दिया AgF और ये बन रहा क्या RF प्लस और AgX क्या हो गया बाहर निकल गया, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, स्वाट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH3Cl और इस CH3Cl की रिएक्शन मैं AgF से कर रहा हूँ या SbF3 से कर रहा हूँ या HG2F2 से कर रहा हूँ या CuF2 से कर रहा हूँ, सभी में फ्लोरीन एक्सचेंज होकर के क्लोरीन इस फ्लोरीन से एक्सचेंज हो जाएगा और इन सभी का कॉमन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा अपने पास,
फ्लोरोमीथेन मिल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई एल्किलाइट दे दे और इनमें से कोई रिएजेंट दे जिसमें फ्लोरीन है, तो हमें 100% ध्यान रखना है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, स्वार्ट रिएक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी अपने पास है फिंकल स्टेन रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन में याद रखना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हो रही है। दूसरा, इसमें जो हैलोजन एक्सचेंज होगी वो कौन सी होगी, आयोडीन। सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं इसमें, एसीटोन। कौन सा सॉल्वेंट यूज कर रहे अपन, एसीटोन। ध्यान है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कौन सा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए इसमें रिएक्शन क्या होगी, कोई भी एल्किलाइड लिया मैंने और सोडियम आयोडाइड डाल दिया और मैंने ले लिया ऊपर एसीटोन, तो ये क्या होगा, यहाँ से NX बाहर निकल गया और ये आयोडीन इस X को सब्स्टिट्यूट करके ये क्या बन जाएगा, आयोडो एल्किन या एल्किन आयोडाइड बन जाएगा। जैसे अगर मैं लूँ CH3Cl और NaCl से करा दूँ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये NaCl बाहर निकल जाएगा और अपने पास क्या बन गया, CH3I बन गया। ठीक है, ऐसे ही आगे चले अपन। अगर वो आयोडोइथेन सॉरी क्लोरोइथेन ले ले और फिर NaI डाल दे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, आयोडीन इस Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बन जाएगा, ये था इथाइल क्लोराइड और ये क्या बन गया, इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से अपन ने क्या कर लिया, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। स्वार्ट रिएक्शन फ्लोरीन का एक्सचेंज, आयोडीन का अगर फिंगल स्टेन है तो आयोडीन का एक्सचेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सी याद रखनी है कि जब फिंगल स्टेन और स्वार्ट रिएक्शन होती है जिस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है वो होती है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बात समझ में, चलिए आगे के जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आगे जो नेम रिएक्शन है वो अपन लेते हैं कुचरॉफ रिएक्शन। देखिए दो वॉल्यूम में तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी रिएक्शंस, हो सकता है दो से ज्यादा वॉल्यूम बन जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, पर जितना जल्दी हो सका मैं इस रिएक्शंस को कंप्लीट करा करके नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन कुचरॉफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स। ये रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअल में होती किसकी है, एल्काइन्स की रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एल्काइन्स की। ये क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइन्स। एल्काइन का एसिडिक मीडियम में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, ध्यान रहे जब भी एल्काइन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपको याद रखना है कि द कंपाउंड इज फॉर्म्ड कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट अपन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं मर्क्यूरिक आयन H+ और H2O, या इसकी जगह आपको मिल जाए HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा आपको, या आपको मिल जाए Hg+2 H3O+ मिल जाए। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट अपन यूज कर रहे हैं वो कौन से रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, कुचरॉफ रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो अपन एल्किन का भी कराते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझने की बात है, देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मैं इसमें भी लॉजिक ले लेता हूं, आपको याद रखना है इनकी मैकेनिज्म का। अगर मैं एल्किन का रिएक्शन कराता हूं तो एल्किन का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि अगर मैं यही रिएक्शन एल्काइन के रेस्पेक्ट में कराता हूं तो ध्यान रखना एल्किन में डाइल्यूट H2SO4 या H+ और H2O लेते हैं, जबकि एल्काइन्स में अपन मर्क्यूरस आयन भी लेते हैं,
और ये मर्क्यूरस आयन की ही वजह है कि ये कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म शो करता है, वो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज का आप नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। चलिए रिएक्शन पे आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि कुछ रॉफ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो अपने को पता चल गया कि कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकाले यही तो अपने को देखना है। कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अगर इथाइन ले लिया, ध्यान रहे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने इथाइन ले लिया और इथाइन का अगर मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूं, तो जितने कंपाउंड, कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये दो कार्बन का कंपाउंड है, और दो कार्बन का कार्बन कंपाउंड कभी कीटोन नहीं बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो मैं ये कह सकता हूं कि इथाइन से मैं क्या बना दूं, दो कार्बन का कार्बन कंपाउंड, वो क्या बना दूं, एल्डिहाइड, सीधा प्रोडक्ट। अब याद रखे, एल्काइन के अलावा, इस इथाइन के अलावा कोई सा भी एल्काइन हो, इस इथाइन के अलावा कोई सा भी एल्काइन हो, वो हमेशा कीटोन देगा, ठीक है। अगर मैं कहूं इस इथाइन के अलावा कोई सा भी एल्काइन हो, एसिडिक मीडियम में उसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, तो वो हमेशा क्या देगा, कीटोन देगा। स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद करनी है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा अभी। चलिए मैं रिएक्शन करके बताता हूँ आपको, एक बार इसकी मैकेनिज्म क्या होगी वो देख लीजिए, एक बार बता दूं मैं आपको। देखिए होता क्या है, वैसे तो कि जो एल्काइन है, मैं इथाइन ले रहा हूं, इथाइन का मैं क्या कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। तो सबसे पहले होता है क्या है कि जो मर्क, देखो ये कहा जाता है कि एल्काइन एल्कीन के कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कम देती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एल्काइन एल्कीन के कंपेयर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम देती है। अब इसका रीजन क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो टर्मिनल एल्काइंस होती है, स्पेशली कौन सी टर्मिनल एल्काइंस, वो टर्मिनल एल्काइंस लेस रिएक्टिव होती है कंपेयर द एल्कीन्स, ठीक है। तो ये होता क्या है कि ये जो Hg+2 है वो यूज किया जाता है ताकि इनकी जो रिएक्टिविटी रेट है, रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाए, थोड़ी बढ़ जाए। क्या होती है, रिएक्शन स्लो होती है, या मैं कह दूं इनकी जो रिएक्शन की रेट है वो स्लो होती है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, Hg+2 इन एज ए कैटलिस्ट अपन डाल रहे हैं ताकि इनकी रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। देखिए ये Hg+2 इसमें जुड़ता है पहले, फिर H+ जुड़ता है, सॉरी OH- जुड़ता है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इस पाई बॉन्ड को उठाइए और H+ जोड़ लीजिए, यहां H+ जुड़ गया और यहां जुड़ गया ये OH, ठीक है। क्या करा दो आगे, टॉटोमेरिज्म करा दो, टॉटोमेरिज्म क्यों करा दो, क्योंकि देखो ये क्या बन गया, इनोल बन गया, और ये H अगर यहां चले जाए और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या बन गया अपने पास, CH OCH3, इसको मैं ले दूं सीधा करके CH3CH, क्या बन गया, एसिटेटेड या इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, इसके अलावा कोई सा भी एल्काइन ले लीजिए, ये पाई बॉन्ड वही मार्कोनी को रूल लगेगा, याद रखना है कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी को, ये पाई बॉन्ड उठेगा, H+ यहां जुड़ जाएगा और OH यहां जुड़ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करा दो, इस H को यहां ले जाओ, बस पाई बॉन्ड को यहां ले जाओ, क्या करा दो आप, यहां टॉटोमेरिज्म करा दीजिए, ये लीजिए, ये आपके पास कीटोन बन गया। अगर मैं इस कीटोन की जगह ये ले लेता हूं, सॉरी इस एल्काइन की जगह ये ले लेता हूं, अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, यहां हटाना है, ये लीजिए सब प्रोडक्ट सीधा। भाई मेरे को ये पता है कि एल्काइन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर कार्बन कंपाउंड बनता है, उसमें मेरे को ये पता है कि केवल इथाइन है जिससे एल्डिहाइड बनता है, इसके अलावा कोई सा भी एल्काइन लो वो क्या देगा, कीटोन देगा, तो दिक्कत ही नहीं है आपको। ये एल्काइन ले लीजिए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए आपके पास प्रोडक्ट। अगर आप कहेंगे नहीं साहब मैं तो ये नहीं लूंगा, मैं तो ये लूंगा, ये हटाइए आप, सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो आप, कोई सी भी रिएक्शंस के अंदर इनको देख करके आपको बता देना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बात समझ में। चलिए आगे चलो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लेते हैं साहब, एक
क्वेश्चन ये है, विच वन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जा रहा है और एसीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 100% मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके आएंगे और 100% वो अपने क्वेश्चन का नेगेटिव कर देंगे, 100%। पर मैंने आपको बताया कि एल्कीन की रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराया जा रहा है, 100% इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर वही रिएक्शन एल्काइन है और Hg+2 के प्रेजेंस में हो रहा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, Hg+2 के प्रेजेंस में अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो 100% वो रिएक्शन एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक ना होकर कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये चीज ध्यान रखना है, न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आधे बच्चे तो बिना देखे ही इसको टिक कर देंगे या इसको टिक कर देंगे, उनको पता ही नहीं होगा रिएक्शन में पूछ क्या रहा है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं देखते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते ही नहीं है जनरली। आपको याद रखना है अगर एसिडिक मीडियम में मार्कनी को पोल्स अपन एड करवा रहे हैं, अटैच करवा रहे हैं, तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होती ही नहीं है एल्काइन के अंदर। वो कौन सी होती है, एडिशन होती है। लेकिन एडिशन में कौन सी रिएक्शन होती है ये आपको याद रखना है, कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन Hg+2 के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या ये बात समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज अपन ने जो रिएक्शंस पढ़ लिए हैं वो कौन कौन सी पढ़ ली देखो। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और कराऊंगा मैं अभी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्किन और एल्काइन भी बनाते हैं अपन। दूसरा फिर अपन ने पढ़ लिया अपन ने वुड्स रिएक्शन, फिर अपन ने पढ़ ली फिटिग रिएक्शन, फिर अपन ने पढ़ ली वुड्स फिटिग रिएक्शन, फिर अपन ने पढ़ ली स्वाट रिएक्शन, फिर अपन ने पढ़ ली फिंकल स्टेन रिएक्शन, और फिर अपन ने पढ़ ली कुचरोव रिएक्शन। ये 7 रिएक्शन आज अपन ने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो भी रिएक्शंस मैं करा रहा हूं उनको आपको क्या करना है, एक बार देखते जाना है, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर है, पढ़ा हुआ है खूब सारा आपका। बस आपको क्या करना है, एक बार इन रिएक्शंस को वापस रिकॉल कर लेना है। और मैं आपको विश्वास दे रहा हूं इन रिएक्शंस से बाहर, देखो रिएक्शन सबको पता है इन रिएक्शन से बाहर कोई नहीं रिएक्शन नहीं जाएगी, लेकिन आपको केवल ये बता रहा हूं कि कोई से ऐसे ट्रिक्स होगी जो आपको समझ में आएगी या आपको बैठ जाएगी, क्या पता वही क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में मिल जाए और आपका टाइम बच जाए और क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाए, 100% क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स अप हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है ये अपन डे बाय डे कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कि मैं एक बार एक ही दिन में 2 वीडियो बना दूं, लेकिन एक साथ में ज्यादा टाइम का बना नहीं सकता, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जितने रिएक्शंस मैं एक साथ करवा रहा हूँ वो आप जैसे 7 रिएक्शन हो गई, नेक्स्ट कोशिश करेंगे 7 रिएक्शन और हो जाए, नेक्स्ट कोशिश करेंगे। तो इस तरह से 3 या 4 वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट नेम रिएक्शंस, हो सकता है 5 वीडियो हो जाए लेकिन मैं कंप्लीट नेम रिएक्शंस आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको लास्ट में फिर कह रहा हूं,
आप क्या कर रहे हैं, इन रिएक्शंस को एक बार आपने नोटबुक में हल्के से रिवाइज कर लीजिए, नोट करके रिवाइज कर लीजिए, जो आपकी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रिक आपको देखनी है या जो चीज मैं बता रहा हूँ क्या पता वो आपके लिए बहुत ईजी हो, उस चीज को आपको नोट कर लेना है। बात समझ में ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको याद रखना है कि नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन स्टार्ट करेंगे उन रिएक्शन के नाम बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे बेंजीन की, फील्ड का रिएक्शन पढ़ेंगे अपन क्लोरोबेंजीन की, फील्ड का रिएक्शन पढ़ेंगे अपन एल्कोक्सी बेंजीन की, उसमें अपन एल्कालेशन और एसालेशन किस तरह से करवाया जाता है वो अपन डिस्कस करेंगे, डार्जन प्रोसेस क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ग्रुप प्रोसेस क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ग्रुप प्रोसेस में अपन डिस्कस करेंगे ल्यूकास रेजेंट की, जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री रेजेंट को क्या करता है, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को क्या करता है, डिफरेंशिएट कर जाता है। ठीक है, किसके बेसिस पे, ल्यूकास रेजेंट के बेसिस पे, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू द ल्यूकास रिएजेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो रिएक्शंस मैंने लिखवाई है वो है अपने पास डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायजोनियम सॉल्ट, मैं उसको पूरे एक चार्ट के फॉर्म में पूरा लिख दूंगा, तो आपको जैसे जैसे टाइम मिले उस चार्ट को आप क्लियर करते जाएं, आपको पूरा एक चैप्टर एक ही चार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए केमिस्ट्री धाम, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, थैंक यू।